दोस्तों बीएसपी बिहार बोर्ड 12th स्क्रूटनी जो है 2022 का जो भी छात्र छात्राओं ने जो है फॉर्म भरा है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है उन लोगों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए जो स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको खुशखबरी बताने वाला हूँ। अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट रिजल्ट के बाद स्क्रूटनी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन दिया था उसमें जो है रीचेकिंग के लिए बहुत सारे छात्र छात्राओं ने जो दिया था, जिनके मार्क्स जो है थोड़े से मतलब कि गलत आ रहे थे, जिनको लग रहा था कि शक था कि मार्क्स में कुछ गड़बड़ी हुई है, और उसी के लिए काफ़ी मतलब हल्ला भी मचाया गया था। पहले जो भी छात्र छात्रा जो रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए हैं और प्रत्येक पेपर 70 रुपये की राशि का भुगतान किया है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि उनका जो स्क्रूटनी का रिज़ल्ट है वो बस आने ही वाला है, वो बस 1 से 2 दिन में आने वाला है। वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। तो आज 3 बजे भी जारी होगा, तो वो जो है पार्ट बाय पार्ट जारी होगा, एक बार जारी नहीं होने वाला। मैं ये बता दूं आपको कि इसका जो रिज़ल्ट जो आने वाला है वो bihar.gov.in उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आने वाला है। उससे पहले जो है ट्विटर हैंडल पर इसका अपडेट आ जाएगा, नोटिफिकेशन। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए स्क्रूटनी में ये क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो स्क्रूटनी में दोस्तों आपको ये जानकर मतलब ये मत सोचिएगा कि स्क्रूटनी भरती है तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें देखी जाएगी। देखिए, यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर में पेजों में अंक मुख्य पेज पर अंकित नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। आपको पता है कि जो आपका जो पेपर होता है उसमें अंदर में मार्क्स दिए जाते हैं, फिर फ्रंट में दिया जाता है, तो फ्रंट में अगर नहीं दिया हुआ है तो उसमें उसको सुधार किया जाएगा। उसके बाद यदि किसी प्रश्न या उसके खंड के प्रश्नोत्तर अमूल्य अंकित, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर छूट गया, उसका आंसर आपने लिखा है, उसका जो है मूल्यांकन छूट गया है, उसको सुधारा जाएगा। और तीसरा जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ भी सकते हैं। अगर आपका जो रियल में अंक बढ़ रहा है तो बढ़ सकते हैं, और अगर घट भी सकता है, क्योंकि अगर रीचेकिंग हुआ दोस्तों तो एक चीज़ बहुत ही बुरी खबर यहाँ पर यह भी हो सकती है कि अगर रीचेकिंग हुआ तो आपका जो आपने जो अगर किसी अगर गलती से आपका बढ़ा हुआ है मार्क्स तो वो रीचेकिंग होकर के घट भी सकता है, और जो है जस के थस भी रह सकता है, क्योंकि अगर सही सही है तो जस के थस रहेगा। तो ये सोचना गलत है कि इसमें बढ़ ही जाएगा मार्क्स। तो आप लोगों को क्या करना है कि कंपार्टमेंट का जो फॉर्म था उसको भर देना है, और कंपार्टमेंट का भी तैयारी रखना है, ताकि जो है अगर इसमें नहीं बढ़ा तो आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दीजिए, नहीं तो आपका जो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल सजेशन है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिए कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना ही देना है। अगर बढ़ गया स्क्रूटनी का तब तो ठीक है, नहीं तो कंपार्टमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर न्यू है तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी खबरें मिलती हैं, और स्क्रूटनी का रिजल्ट सबसे पहले मैं आपको देने वाला हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।